दो थानों की पुलिस के नाक के नीचे चलता है लोहा गोदाम। रेल के जमीन पर बने गोदाम के नाम पर होती है हजारों रुपए की वसूली। परेशान कबाड़ी संचालक ने रखी मीडिया के समक्ष अपनी बातें। कहा, बहुत मुश्किल से दे पाते हैं किराया। रेल के जमीन पर होती है किराया वसूली का धंधा। कब खुलेगी रेल प्रशासन की नींद, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धनबाद, अगर बात करें कवाड़ी इलाके की, तो धनबाद का नया बाजार में कवाड़ी की कारोबारों को देखा जाता है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कवाड़ी के आर में अवैध लोहे का धंधा भी चलाते हैं, और ऐसे लोगों को कहां से हौसला मिलता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। दरअसल भुल्ली मोड़ रेल लाइन के किनारे दो कवाड़ी के नाम से गोदाम संचालक है, एक का नाम जावेद तो दूसरा का नाम राजू है। इन दोनों के यहाँ कुछ दिन पूर्व ही आरपीएफ के द्वारा एक छापेमारी भी की गई थी, जिसमें राजू नामक गोदाम संचालक के पास से रेलवे का कुछ बेसिन व सामान बरामद किया गया था और दो को जेल भी भेजा गया था। गोदाम संचालक राजू पुलिस की गिरफ्त से फरार है। जावेद एक छोटा कवाड़ी कारोबारी है, कवाड़ी कारोबार कर अपने परिवार का जीविका चलाता है। पर इस कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच गोदाम के नाम पर हजारों रुपए देने को मजबूर है गोदाम संचालक जावेद। वही गोदाम संचालक जावेद ने मीडिया को बताया कि बड़े ही मुश्किल से गोदाम का किराया दे पाते हैं। रेल की जमीन पर बने गोदाम के नाम पर कितना और किसे देते हैं रुपए, क्या कहा जावेद ने, ये आप खुद सुने। अभी बहुत मुश्किल से भाड़ा देते हैं, कौन चीज खरीदते करते हैं, प्लास्टिक खरीदते हैं, कार्टून वार्टून खरीदते हैं। आप लोग तो दुकान भी आके चेक किए, मेरा दुकान में कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। फिर भी लोग 8,000 भाड़ा लेते हैं। 8,000 किसको देते हैं? गुड्डू भाई को। कहाँ रहते हैं गुड्डू? मैं बोली मोड़ में। आपके अलावा और कोई किराया देता है? एक राजू है, आरपीएफ का रेट पड़ा उसका। अब देखना यह होगा कि रेल के जमीन पर बने गोदाम पर किराए वसूल रहे व्यक्ति पर रेल प्रशासन द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है।